ये देख लीजिए, अब हम लोग को जो है थोड़ा सा आप आते हैं, थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। ये भाई साहब टाटा कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं ना। बताइए भाई साहब, आपका थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा 2 मिनट ना आपका चेहरा। चलिए, आपको देख करके बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं आप, है ना? एकदम स्मार्ट तो बचपन से। अच्छा बताइए थोड़ा सा, नाम क्या है वो और आपका जिला क्या हुआ, थोड़ा बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं शेखपुरा जिला से। और तो यहाँ कहाँ आए थे आप 2 दिन से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वो रखे थे, इसमें हम लोग NYKS के द्वारा यहाँ पे आए। ये नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार से है और बिहार की ये वॉलंटियर है, और उन्हीं के मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के तहत जो है इनका दिल्ली आगमन हुआ है। और ये कब आए थे आप लोग? हम लोग आए थे 29 तारीख को। ये 29 तारीख को आए थे, 29, 30, 31 और आज 1 तारीख हो गया, आज हम लोग वापस जा रहे हैं। बताइए 2 दिन जो रहा, आप पहला दिन क्या किए, 31 को क्या किए और 31 को क्या किए, थोड़ा सा आप इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहला दिन तो यहाँ आए और खाना पीना खा के बढ़िया से सो गए। अरे वाह वाह वाह, खाना पीना बढ़िया मिला एकदम। देख लीजिए, मोदी जी का कार्यक्रम और खाना पीना बढ़िया ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको कि यहाँ पर खाना पीना बहुत अच्छा मिला है। और बताइए और क्या किए? और हम 30 तारीख को मतलब हम लोग का जो प्रोग्राम था वहाँ पे इवेंट जो रखा गया था उसका देखे, विस्तार से सुने, उसको समझे, उसमें हम लोग ग्रुपिंग वगैरह में भाग लिए, वहाँ पे नेतृत्व में प्रोग्राम किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद वही फिर इंडिया गेट का इवेंट था जो कि कल 31 तारीख का, वहाँ पे हम लोग गए और इंडिया गेट पे खूब सारा मज़े किए, घूमे और मोदी जी का भाषण सुने, उसको समझे। चलिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 30 तारीख को जो आए, रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद थोड़ा सा आराम किए खाना वाना खा करके, उसके बाद जो है वो जो है यहाँ से मैंने इंडिया गेट गए थे, बाय मेट्रो से गए थे, नहीं है? बाय मेट्रो से गए और कर्तव्य पथ पे मोदी जी का कार्यक्रम था जो अमृत कलश है, जो भारत का कलश है, उसमें इन्होंने मिट्टी डाला, अपना जो प्रखंड से जो मिट्टी लाया था उस मिट्टी को डालने के बाद आपको मैंने पूरा विश्वास है कि वहाँ पर एक अमृत वाटिका बनेगा। जी बिल्कुल विश्वास है। और ये हम लोग पूरा भारत से इकट्ठा हुए हैं जी, सब एकजुट होकर के डाले हैं, तो विश्वास नहीं, यकीन है मुझे। हाँ, ये पूरा यकीन है और 100% है कि वहाँ पर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। चलिए, ये 31 तारीख का हो गया, 31 तारीख का मोदी जी का कार्यक्रम से आपको क्या प्रेरणा मिला, क्या सीख मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। दरअसल ये बात है कि हम वहाँ पे गए तो सही थे, लेकिन हमने इंडिया गेट में घूमना शुरू किया और शाम हो गया। वो गए थे ये मेन भाई लोग, है ना? और देखिए, मैंने कि शुरू में ये गए थे, है ना, मोदी जी के कार्यक्रम में, और मैंने बहुत ही, मोदी जी तो आए थे, थोड़ा सा लेट से आए थे, तो भाई लोग चला कि हाँ, मैंने थोड़ा सा इंडिया गेट वार मेमोरियल थोड़ा घूम लेते हैं, चलिए घूम लिए। आपको बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा इंडिया गेट, मैंने घूम के कैसा फीलिंग हुआ आपको? ऐसा फीलिंग हुआ कि जैसे हम अपना घर में घूम रहे हैं, और बिल्कुल जैसा सुने थे उससे अद्भुत, मतलब कई गुना सुंदर था। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग जान रहे कि इंडिया गेट जो है हमारे प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके याद में इंडिया गेट बनाया गया था, और इंडिया गेट के जस्ट पीछे वार मेमोरियल है। ये कारगिल में जो हमारे शहीद जो जवान शहीद हुए हैं उनके याद में वार मेमोरियल बनाया गया। तो क्या वार मेमोरियल घूमे हैं? नहीं, वहाँ तो नहीं जा पाए हम लोग। वहाँ पर नहीं जा पाए? चलिए, बहुत अच्छा लगा। फिर भी काफ़ी गर्मी था, मतलब धूप था, इस कारण हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। हम लोग रेस्ट करने के लिए फिर अपना यहाँ आ गए। चलिए, मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के दौरान 2 दिन तक खूब मस्ती किए, खूब घूमे, आज जो है 1 तारीख को आज जब वापस जा रहे हैं, बताइए वापस जा करके कैसा लग रहा है आपको, कैसा फीलिंग आ रहा है? वापस जा करके जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अब जा रहे हैं, क्या बताएं। लेकिन यही बात है कि ये जो इवेंट है इसका हम लोग बताएंगे जा कर के, जिसे जो हम लोग जितने मतलब अपना जो भारत देश का हर एक इंसान से मिले, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चारों साइड से, उसका अनुभव हम शेयर करेंगे जा कर के घर पे। अरे वाह, ये तो है, आपको ये मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के तहत आपको एक मिनी इंडिया देखने को मिला होगा, कि प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जो स्टेट से लोग आए थे, लड़के आए थे, और प्रत्येक प्रखंड से आए थे, और लगभग 8000 से ज़्यादा कलश लेकर के आए थे, और सभी अपने रंग वेशभूषा अपने भाषा में बात कर रहे थे। उन लोगों को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत कोई सेल्फी लिया है, और मैंने भी काफ़ी सारे सेल्फी लिए हैं। तो
मुझे भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तो बताइए, आप जा रहे हैं, आप बिहार से हैं, है ना, और तो बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे थोड़ा अंतिम में बताइए? संदेश यही देना चाहेंगे कि हम एक हैं और एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इसी बात के लिए जाना जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी। लेकिन देखिए, ये बिहारी होने के कारण भी जो है पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधना चाह रहे हैं कि हम लोग एक हैं और नेक हैं और एक भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना है। चलिए, इसी के साथ आप थोड़ा सा बता दीजिए कि बिहार के कौन से जिले से हैं? शेखपुरा जिला से। शेखपुरा जिले के जितने भाई लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और भाई साहब से आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप ये इस बात को बोल दें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, भाई का चैनल है, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।